हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑल दो आप समझ रहे होंगे कि ये इंटरनेशनल लॉ से कैसे लिंक करता है, ये कोई इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर हम जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये वर्ड यूज़ होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस वर्ड को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके लिए बाकी लेक्चर्स को समझना आसान हो जाए। तो राइट जो है वो आम लॉ के अंदर भी यूज़ होता है और इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी ये बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज़ होता है। आज हम इस वर्ड के पीछे प्रिंसिपल को समझेंगे और हम इसको इसकी प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन है उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है डेफिनेशन ऑफ राइट। अक्सर मैं जब अपनी क्लासेस के अंदर पूछता हूँ कि राइट की डेफिनेशन क्या है तो मुझे सुनने को जवाब मिलता है हक। तो मैंने इसलिए यहाँ पर आगे हक लिख दिया है, जबकि ये तो इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब मैं किसी कम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ने वाला कि इसकी डेफिनेशन है क्या। आपने किसी ऑथर की डेफिनेशन नहीं आपने याद करनी, मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी यहां पर लिखी है जो कि आप याद कर लें, जिंदगी भर आपको काम आएगी। राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। देखें, मैंने लिखा है लॉ जो है वो एक इंटरेस्ट है जो कि रिकॉग्नाइज भी है और प्रोटेक्टेड भी है बाय द लॉ। इसके अंदर तीन टर्म्स आ गई हैं, यानी कि इस डेफिनेशन को, जाहिर सी बात है डेफिनेशन को समझने के लिए अगर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है तो उसके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं हमें वो भी पता होने चाहिए। राइट इज एन इंटरेस्ट, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि ये इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट जो है जनाब कहा जाता है यूअर एक्विजिशन ऑफ बेनिफिट एंड रिपल्शन ऑफ लॉस। मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट कहते हैं कि ऐसी चीज जिसके अंदर मेरा फायदा है, ठीक है, और उसके अंदर मेरा नुकसान नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन समथिंग, इट मींस कि मुझे उससे फायदा तो है नुकसान नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, अक्सर हम कहते हैं कि यार मैं इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। तो ये वही इंटरेस्ट है, यानी कि आपको उस चीज से फायदा हो रहा है, आपको उस चीज से नुकसान नहीं हो रहा। यानी कि राइट एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली आपको फायदा दे रही है, नुकसान नहीं दे रही। पहली बात क्लियर हो गई, राइट इज एन इंटरेस्ट, यानी कि राइट एक फायदा है, नुकसान नहीं है ये। उसके बाद है रिकॉग्नाइज। अब रिकॉग्नाइज क्या है, यानी कि ये एक ऐसा फायदा है जो के पहले गवर्नमेंट ने आपके लिए रिकॉग्नाइज कर दिया है, रिकॉग्नाइज बाय द लॉ। यानी कि मैं अभी इधर प्रोटेक्टेड पे नहीं आया, मैं रिकॉग्नाइज बाय द लॉ। रिकॉग्नाइज क्या है, इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा फायदा जिसके लिए गवर्नमेंट ने कानून साजी कर दी है, लेजिस्लेशन पास कर दी है, यानी कि हम एक मिसाल लेते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर, राइट टू लाइफ, आपकी जिंदगी का हक। अब आपकी जिंदगी के हक के ऊपर अगर गवर्नमेंट ने एक कानून पास कर दिया है तो इट मींस के गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके इस राइट को रिकॉग्नाइज कर दिया है। अब कहते हैं प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। प्रोटेक्टेड बाय द लॉ का मतलब यह कि उसने पहले तो बाय लेजिस्लेशन पास किया, फिर एग्जेक्टिव को जिम्मेदारी दी कि आपने सिटीजन्स की इस राइट को प्रोटेक्ट भी करना है। यानी कि अगर कोई मेरी जान लेने लगेगा या कोई मुझे मारने लगेगा तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट बना दिया कि वो मेरी प्रोटेक्शन भी करे। प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, यानी कि मेरी जिंदगी का जो हक है वो एक इंटरेस्ट है जो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट बनाया ताकि मेरा वो राइट जो है प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा, अब आप अगर आपसे कभी कोई पूछे कि राइट क्या है तो आप सिंपल कहेंगे राइट इज एन इंटरेस्ट, ये एक मेरा फायदा है जो कि गवर्नमेंट ने पहले रिकॉग्नाइज किया बाय द लॉ, उस पर कानून बनाकर, और फिर क्या किया कि उसके ऊपर एग्जेक्टिव को जिम्मेदारी दी कि आप इस कानून, इस ये जो इनका राइट है उसको बाय लॉ प्रोटेक्ट भी करें। तो आपको डेफिनेशन कंस्ट्रू हो गई होगी। अब मैं आता हूं टाइप्स ऑफ राइट्स पे। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन मैंने यहां पर कुछ मेजर टाइप्स लिखी हैं, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सिविक राइट्स। अक्सर लोग हम जो है मिक्सअप कर जाते हैं ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को। ह्यूमन राइट्स जो है वो दुनिया के अंदर सबके लिए एक है। ह्यूमन का मतलब है इंडिविजुअल, ह्यूमन बींग, ठीक है, इंसान। यानी कि ये जो राइट है ये तमाम इंसानों के लिए दुनिया के अंदर, चाहे वो ब्राउन पीपल है, चाहे वो ब्लैक पीपल है, येलो पीपल है, या रेड पीपल है, ठीक है, या वाइट पीपल है, इन सब के लिए एक ही है। ह्यूमन राइट पूरी दुनिया में सबके लिए एक है, यानी कि इंसानों का हक। इसके बाद आ जाता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहा जाता है
ऐसा राइट जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट कर दिया, यानी कि हमारा जो आईने पाकिस्तान है इसके आर्टिकल नंबर 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो चैप्टर डील करता है फंडामेंटल राइट्स का, इसके अंदर जो आपके राइट्स प्रोटेक्ट कर दिए गए हैं, रिकॉग्नाइज कर दिए गए हैं, वो क्या है? वो फंडामेंटल राइट्स हैं। एट द सेम टाइम ह्यूमन राइट्स भी हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स हैं। जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो यूएन चार्टर से ने, जो यूएन के यूएन ने दिए आपको यूडीएचआर के थ्रू, आईसीसीपीआर के थ्रू, वो क्या हैं? वो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो के कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हैं पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स भी सम टाइम बाय लॉ होता है, सम टाइम बाय कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है पाकिस्तान में, जिसमें पॉलिटिकल कुछ राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह से जो आपका राइट टू वोट होता है, ये क्या होते हैं? आपके पॉलिटिकल राइट्स। सिविक राइट्स होते हैं आपके शहरियत के कानून, मतलब आपको एज अ सिटीजन जो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको सिविक राइट्स भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक बोल्ड किया है बेसिक राइट्स को। दुनिया के अंदर जो बेसिक राइट्स हैं वो तीन समझे जाते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर। सबसे पहला है राइट टू लाइफ, आपकी जिंदगी का हक। दूसरा है राइट टू प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी का हक। इसके बाद है राइट टू लिबर्टी, आपकी लिबर्टी का, यानी कि आपकी, आपसे कोई जान नहीं ले सकता, आपसे आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता जिसको आप ऑन करते हैं, और आपको कोई कन्फाइन नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया के अंदर ये राइट्स आपको हर मुल्क प्रोवाइड करता है। ये क्या है जनाब? आपके बेसिक राइट्स हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है अक्सर जहन में कि यार अगर हमारे इतने राइट्स हैं तो हमें मिल क्यों नहीं रहे? अब ये जो नहीं मिल रहे, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि राइट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, राइट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम है उनकी एनफोर्समेंट का, यानी कि वो गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि वो अपने सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रही। यानी कि अगर हम आज कहते हैं यार हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, प्रॉपर्टी का राइट है लेकिन गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज डेफिनेशन ऑफ राइट समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।